ओके जी, तो रात के 11:30 बज चुके हैं। बच्चों को मैंने सुला दिया है, वो सो गए। आज संडे था तो थोड़ा सा लेट उठे हम 11:30-12 बजे, तो भी सोते सोते भी इन लोगों को 11 बज गए ना। खैर अब दोनों सो गए, तो मैंने जो है ना कपड़े धोए थे, तो कपड़े सुखाने भूल गई मैं। भूल नहीं गई, मैंने कहा बच्चों को पहले सुला देती हूँ, फिर जो है ना सुखा दूँगी कपड़े, क्योंकि मैंने आज काफ़ी लेट धोए कपड़े। तो अब कपड़े सुखाती हूँ, फिर देखती हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म और जो जो भी स्टे करना होगा वो मैं प्रेस कर लूँगी, एंड देन फिर सोऊंगी। मुझे भी नींद आ रही है, तो चलिए कपड़े सुखाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक मेथड देखा था यूट्यूब पे कि किस तरीके से बेडशीट को एक सिक्योर तरीके से और कम लेंथ में जो है ना हम उसको कम जगह घेरे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं तो कितना मोटा मोटा लगता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको नॉर्मल तरीके से फोल्ड करना है, और ऐसे फोल्ड करना है कि थोड़ा सा ये पतला लगे। उसके बाद एक पिलो कवर हमने अंदर डाल देना है, एक पिलो कवर को हमने बाहर रखना है, और इस बेडशीट को हम इसके पिलो कवर के अंदर रख के सिक्योर करेंगे ताकि ये सिक्योर भी हो जाए और उठाते वक्त जो है वो गिर भी ना जाए, और उसके अलावा जो है वो एक काफ़ी कम जगह घेरे। तो इससे तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो ये पिलो कवर है इसको खोल लेंगे, और जो बेडशीट हमने फोल्ड करके रखी है इसको हम डाल देंगे अंदर बिल्कुल कॉर्नर में लगा कर, और उसके बाद जितना भी पिलो कवर बाकी होगा उसको अच्छे तरीके से जो है फोल्ड कर लेंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने डाल दिया है बिल्कुल कॉर्नर पर। अब ये जितना साइड में थोड़ा सा बच गया है पिलो कवर, उसको पहले हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा सही नहीं हुआ है, तो फिर मैंने उसको दूसरी जगह पे जो है वो किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने कर दिया। अब जितना भी साइड में पिलो कवर बचा हुआ है उसको पहले मैं एक तरफ फोल्ड करूँगी। ये आप देखें, इसको जितना भी रह गया था मैंने एक तरफ फोल्ड किया। उसके बाद मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया कि जो तकिए का कवर जहाँ से खुलता है वहाँ उसके अंदर ये फिक्स हो जाए। ये देखें, ये देखें जी, तो ये बिल्कुल भी पिलो कवर के अंदर चला गया। और अब जो है वो ये एक तरीके का, अगर आप रखना चाहें तो पिलो जैसा भी लगेगा, और अगर आप रखेंगे तो जगह भी कम घेरेगा। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर हो गया तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो ये बेस्ट है। ओके जी, तो पीछे दो क्लिप्स बना दी पर वेलकम बैक तो किया ही नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रहे थे, और आज तो एकदम से ठंड निकली और बिल्कुल फॉग हो गई, हर जगह फॉग फॉग हो रही थी। लेकिन क्या कहते हैं ना, बड़ा मज़ा आया ना निकलते हुए, काफ़ी दिन के बाद इस तरह का वेदर देखा, तो यहाँ तक कि मुँह से स्मोक निकलना शुरू हो गई थी। तो अभी मैं बालाज को लेने आई थी, तो मैंने इसको पिक कर लिया, और मैं जब अपने घर से निकली ना तो वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी पूरी वाइट बटरफ्लाई मुझे ना उड़ती हुई नज़र आई थी। उसके बाद जब मैं यहाँ स्कूल के गेट पे पहुँची ना, एंटर हुई, सेम वाइट कलर की ही बटरफ्लाई मुझे यहाँ पे मिली। मुझे ऐसे लगा जैसे वो फॉलो कर रही है मुझे, बिल्कुल सेम कैसे हो सकती है। तो अभी अगर दिखी मैं दिखाऊँगी, वैसे मुझे भी नहीं दिख रही अब, लेकिन बहुत प्यारी उड़ रही थी वाइट कलर की। ओके जी, तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल। अभी 2-3 दिन से इतना सुकून हो गया है ना कि हस्बैंड की शिफ्ट जो है वो अब नाइट की हो गई है, तो वापस से अभी वो सुबह छोड़ने आने लग गए, तो इसी वजह से जो है ना सुबह में हम उन्हीं के साथ आ जाते हैं। तो अब जो काफ़ी सुकून हो गया, तो फिर सिर्फ मैं बालाज को लेने आ जाती हूँ, और फिर दोपहर में अलीशा को लेने भी हस्बैंड चले जाते हैं। लेकिन आज वो आए तो थोड़े से उनकी बैक में पेन था, तो मैंने कहा कोई नहीं आज मैं चली जाती हूँ छोड़ने, फिर वापसी जो है ना ले लेंगे। तो आज तो अभी आ रहे थे तो थोड़ी ठंड हो रही थी, अब देखें सन निकल गया, तो अब हम चलते हैं।
नानी ये देखो, ये कितना अच्छी है, कितना अच्छी स्काई हो रही है, कितना अच्छा हो रही है स्काई, कितना मूनलाइट। तो गाइस बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था और अब बालाज को पिक करने का टाइम हो गया है, तो बस मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ पिक करने, क्योंकि बालाज को पिक करने के बाद हमें एक जगह काम से भी जाना है। तो बालाज को पिक किया, फिर बालाज की जो सीट थी कार सीट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, सही से लॉक नहीं थी, तो उसको मैंने सही किया, सेट किया, एंड देन बालाज को पिक किया, फिर बालाज को बिठाया, एंड देन हम लोग निकल गए जिस काम से निकलना था। तो हाय गाइस, तो अभी हम लोग जो है ना बालाज को पिक किया है, उसके बाद यहाँ आ गए। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे फैक्ट्रीज बनी हुई हैं और काफ़ी सारी ऑनलाइन जो चीज़ें मिलती हैं उस तरह की जगह भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जॉब भी करते हैं, तो उनके कुछ महीनों बाद जो है ना सेल लगती है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वहाँ से चीज़ें अपनी खरीद सकते हैं और सेल पर मिलती हैं, जो ओरिजिनल प्राइस होते हैं उसके हाफ प्राइस में मिलती हैं। तो लास्ट टाइम भी हस्बैंड लेके आए थे और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, तो इस दफ़ा फिर से लेके आए लगी है, तो आज हम लोग आ गए हैं, आज मैं भी साथ में आ गई हूँ क्योंकि बालाज को पिक करते ही निकल गए थे हम लोग। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ गाड़ी में, वो गए अंदर, देखें क्या लेके आते हैं, और ये कि उसके बाद चलेंगे। और फिर आज जो है वो फाइनली जो दोबारा से बालाज का बना था वैक्सीनेशन का, 12 तारीख को बना था, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर उन्होंने अब 19 तारीख का दिया था, तो आज 19 है, और अब देखिए कि आज बालाज को वैक्सीन लगती है कि नहीं। तो गाइज ये वाली सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये कर्टन्स हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई सारी जो हैं वो डू इट कवर्स हैं, बेड शीट्स हैं, कुछ पे जो है वो बच्चों के प्रिंट्स हैं, और कुछ जो हैं वो हम अपने रूम्स में भी डाल सकते हैं इस तरह के, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे। अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे बालाज की वैक्सीनेशन के लिए। हुआ ये कि मैं बालाज की शर्ट चेंज करना ही भूल गई, कि मैं उसको हाफ स्लीव पहनाती और वो फुल स्लीव ही पहना हुआ था। अब हम लोग आ गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप प्लीज़ इसकी जो शर्ट है वो उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी जो टी शर्ट थी वो मैंने उतार दी थी, तो परेशान होना, उसको पसंद ही नहीं है कि इस तरह से उसके कपड़े ऊपर करो या उतारो, तो परेशान हो गया ना कि ये क्या हो रहा है। खैर फिर जो है ना मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, और देखे मैंने मोबाइल भी रखा हुआ था, लेकिन फिर एंड में डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको बैठना पड़ेगा और आपको बालाज को अपनी गोद में बिठाना पड़ेगा ताकि वो अपना हाथ ना हिलाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, एंड देन फिर मैं बैठ के उसको संभालने लगी कि उसका कहीं हाथ वगैरह ना हिल जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बच्चे की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फिर बंद कर दी, मैंने कहा बाद में दिखा दूँगी कि रोया नहीं रोया जो भी था। खैर तो क्योंकि लास्ट बालाज को इंजेक्शन लगा था जब वो 1 ईयर का था, तब उसको 4 इंजेक्शन लगे थे, तब भी यही हुआ था कि मैं लगवाने आई और रिकॉर्डिंग भी कर रही थी लेकिन जो है नहीं कर पाई थी। खैर अभी आप देख रहे हैं बैठा हुआ है, तो उसको इंजेक्शन लग चुके हैं। दर्द इसको जैसे ही इंजेक्शन लगा, पहला इंजेक्शन में तो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, सेकंड जो दूसरे हाथ पर लगा सीधे हाथ पर इंजेक्शन, उसमें हल्का सा पेन हुआ, हल्का सा रोया 2 सेकंड में और चुप भी हो गया फ़ौरन से, तो माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं रोया, बहुत ब्रेव बच्चा मेरा। अब हम लोग आ गए हैं और ये लड़की अपना सबक पढ़ने बैठ चुकी है, एंड देन वो चुप हो गया। खैर अब उस रूम में लेटा हुआ, टैब यूज़ कर रहा है लेटा हुआ, और मैंने आते ही दवाई भी डाल दी उसको, और ये लड़की अब जो है अपना कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई है, तो अब इसको पढ़ाते हैं, एंड देन बाद में क्यों बोल रहे हो अलीशा, पूरी बात होती है तो अब बाद में मिलते हैं। आज तो हम दोनों ही जाए, आज कल भैया की इंजेक्शन हुई थी और उसके हाथ पे नहीं हो पाए थी बेचारा को, तो हम दोनों चले गए। तो हम जो है ना आज बालाज को लेके नहीं जा रहे स्कूल, क्योंकि कल जाहिर है उसका वैक्सीनेशन हुआ है, तो जब सुबह में 4 बजे के टाइम वो वॉशरूम गए थे उठाना, तब वो थोड़ा सा वार्म हो रहा था, तो फिर मैंने जो है ना उसको दवाई तो दे दी थी, बट ये कि उसको स्टीम दे दी थी, वैसे भी आज वीक का लास्ट डे है। स्टीम दे दी थी आपने? नहीं स्टीम नहीं दी थी, स्टीम दे सकती थी, स्टीम से सही हो जाती। उसके बाद फिर जो है वो फिर मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ अलीशा को छोड़ देती हूँ, तो बालाज घर पर है और वो सो रहा था, तो हस्बैंड को मैंने कहा कि मैं अलीशा को छोड़ दूँगी, आप ही सो जाओ ताकि वो अगर उठे तो आपके पास आ जाए। और हाय सांस फूल रहा है, कैसा होता है
हम दोनों साथ जाए कस बेचारा के हाथ में और पाए। कैसा होता है कि आपकी आदत हो चलने की और फिर आप दो तीन दिन सिर्फ गाड़ी में ट्रेवल कर लो कार में। और जब मैं स्कूल से आओगी मेरी भी नस्ल हो रही है आज कल से कस हमने बहुत आइसक्रीम खाई और गोला तो जो है वो हाँ लुक एट द व्यू गाइस। अब मैं बताती हूँ अपनी तो फिर जब आप दो तीन दिन गाड़ी में ट्रैवल कर लो और उसके बाद फिर चौथे दिन ये हालत होती है कि आपका सांस फूलने लग जाता और मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। तभी लड़की देखें भाग रही है और मौसम ठंडा हो चुका है तो चलते हैं स्कूल। मतलब इतना ठंडा भी नहीं होगा कि जैकेट पहननी पड़े तो बस चलते हैं और छोड़ते हैं। तो ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मैं खुद बीमार पड़ गई तो मैं गोलियां खा रही हूँ जुशांदे पी रही हूँ ताकि मैं सही हो जाऊँ लेकिन जो है ना गला बिल्कुल सही होने को नाम नहीं ले रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं गले में काफ़ी जो है वो बैठा बैठा सा हो रहा है तो जुशांदे और ये नाक की दवाई भी मैंने ली है तो हम दवाई लेते हैं इसके बाद अब जाते हैं सोने के लिए और ये मैंने अपनी रात की दवाई ले ली। उसके बाद अलीशा रात को सोते वक्त अपनी रीडिंग करती है। बाय एन अम्ब्रेला बाय बाय कर दो बाय बाय मिस जॉली सर बाय बाय कर दो बाय बाय।